मनोज तिवारी ने केंद्र से क्यों मांगी जेड प्लस सिक्योरिटी? आखिर मनोज तिवारी की जान को किससे खतरा है? दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को इन दिनों अपनी जान पर खतरा महसूस होने लगा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में तिवारी ने अपनी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड करने की मांग की है। बीजेपी सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। 5 फरवरी को लिखे अपने लेटर में मनोज तिवारी ने लिखा है, मुझे वाई थ्रेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, लेकिन चुनाव प्रचार और पार्टी के विस्तार के लिए मुझे देश के कई राज्यों में पार्टी के निर्देश पर आना जाना पड़ता है। पिछले दिनों 2 ऐसी घटनाएं कोलकाता में चुनाव प्रचार के दौरान वहां की सरकार द्वारा सुरक्षा न देने और दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास पर हुआ हमला ये साबित करने के लिए काफी है कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिसकी शिकायत मैंने संबंधित क्षेत्रों के थानों में की है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश देने की कृपा करें। आपको बता दें कि सीलिंग के मुद्दे पर चर्चा के लिए मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी सांसदों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जनवरी को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर गया था, जहां आप नेताओं के साथ उनका विवाद हो गया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने आप नेताओं पर मारपीट तक के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने बकायदा इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी उनके दौरे के दौरान उन पर हमले की खबरें सामने आई थी। हालांकि उन्होंने बंगाल सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार तो लगाई थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से ही मनोज तिवारी को अपनी जान पर खतरा महसूस होने लगा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।